राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स, आज है मंडे का दिन, मॉर्निंग का टाइम है। नहा धो के अभी जा रहे हूँ मंदिर, तो आप सब पूरी वीडियो देखेगा, बने रहेगा, फिर लग जाते हैं काम में, पूजा पाठ में, घर के काम में, और कुछ खास भी है ब्लॉग में, पूरा देखेगा तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। चलिए फिर, बने रहेगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृताम् नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती पते नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः। देखिए, वहाँ से आ गई हूँ पूजा करके मंदिर से घर। घर में भी पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। आज फिर से बहुत कड़ाके की ठंड है और मंडे के दिन थोड़ा सा पूजा में मुझे टाइम लगता है, तो इत्मीनान से करूँगी आराम से। आज से वैसे बच्चों का स्कूल खुल गया है, लेकिन आज मेरे बच्चे नहीं गए हैं। बोले मम्मी आज नहीं जाएंगे, कल से डेली हम लोग जाएंगे, तो उनको कल से भेजूँगी। देखिए, शॉर्टकट में आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, मेरी पूजा हो गई है भगवान की। तो चलिए फिर, मिलती हूँ आप लोगों से। सो तुम जानो हूँ अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरस्वामी दीन दयाल वीर संभारी हर हमनाथ होम संकट भारी शिव शवान दाता नहीं विपद विदारण हर लज्जा मेरी राखे सुख संपदि दाता। पूजा पाठ हो गई है, अब चलिए चाय वाय पी लेती हूँ। थोड़ी सी मूँगफली तलूंगी, चाय पीऊँगी, पेड़ा वगैरह खाऊंगी। बच्चों की इधर तैयारी हो रही है, ये लोग नहाने वाले हैं, मैंने पानी गर्म कर दिया है। इधर चाय बन रही मेरी, मूँगफली मैंने तली है, ये है मेरा नाश्ता फास्ट वाला। तो जल्दी से यहाँ धूप में बैठ के खा लेती हूँ। पाटा मेरा गिर गया है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ का सीन, बट अभी इसे बना ही नहीं सकती, बहुत कड़ाके की ठंड है। जब फरवरी का महीना आएगा ना, तब फिर मैं इस पाटे को फिर से बनाऊँगी और आज आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करूंगी। सच में फ्रेंड्स, आप सब इस बात को मुझे लगता है समझोगे, इसलिए। तो देखिए, बच्चे नहा चुके हैं, इधर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, खाना बना के रेडी कर दूँ, सब लोग भूखे हैं। नहीं तो यही कहेंगे ये लोग कि मम्मी व्रत रहती तो हम लोग का खाना टाइम से नहीं बनता। सुबह में नाश्ते में कुछ भी नहीं बना था, यही पेड़ा वगैरह बच्चे खाए हैं। ये देखिए, सारा खाना रेडी है। खाना बनाने के बाद मैंने सबको खाना दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं और सासू मम्मी मेरी आए हैं आज, तो उनको भी मैंने खाना दे दिया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या रीज़न है, क्यों परेशान है, ये सारी बातें मैं भी आप लोगों से बताऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं झाड़ू लगाए ले रही हूँ क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, बैठ जाऊँगी ना तो बैठ ही रह जाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे सब लोग धूप सेक रहे हैं, मेरी सासू मम्मी भी बैठी हुई हैं। आप लोग कहोगे कि क्या परेशानी है साधना दी, आप बता नहीं रहे हो। तो डियर सिस, देखिए, मैं भी माँ हूँ, आप भी शायद जो शादीशुदा होंगी माँ होंगी। माँ के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, वो खुद के लिए कभी नहीं जीती है। वो सोचती हैं छोटे में भी अपने बच्चों को ही सबसे पहले वो रखती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे भी यही उम्मीद रखती हैं कि बच्चे हमारे लिए कुछ करें या ना करें, अपने लिए कुछ करें और खुश रहें, जिनको देख के माँ बाप खुश होते हैं, ये आप सब समझते हो ना। तो यहाँ मेरे घर में मेरे छोटे देवर की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं भी यहाँ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ प्रॉब्लम हो गई है उनके खुद की ही वजह से। तो माँ देखो परेशान है, तो मैंने मम्मी को समझाया कि आप मम्मी टेंशन ना लो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो लोग माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये संदेश मैं देना चाहती हूँ कि जो भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, वो इतना परेशान ना हो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को परेशान मत करो कि माँ बाप आपको देख के ही मरते रहें, परेशान होते रहें, रोते रहें, कम से कम सुख की रोटी वो खा सकें, इसलिए आप सुखी रहो। माँ बाप के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबके लिए संदेश देना चाहती हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, भाई नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो भगवान देखेगा आपको, लेकिन अपने आप को मत परेशान करो क्योंकि माँ बाप आपको देख के जी रहे हैं। जब आप परेशान रहोगे ना तो माँ बाप आपको देख के ही मरते रहेंगे। तो प्लीज़ एवरीवन, जो लोग ऐसे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं
और अपने आप को परेशान कर रहे हैं, माँ बाप उनको देख के रो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप है। आप कुछ अच्छा करिए, आप उनके लिए ना करिए, अपने लिए कुछ अच्छा करिए, मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैं भी माँ हूँ। हर माँ यही चाहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा काम करे कि हमारा नाम रोशन हो। तो प्लीज़ कुछ अच्छा करिए, उनके लिए नहीं कर पा रहे, अपने लिए करिए, आपको देखकर ही माँ बाप खुश होंगे। तो कुछ इसी प्रॉब्लम से मेरी सासू मम्मी परेशान थी, हम लोगों ने समझाया है, क्योंकि देखिए जब हम माँ बन जाते हैं तो हमें खुद पता चलता है कि माँ का दिल होता क्या है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाते हैं, चाहे हम हों आप हो, किसी एक इंसान की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, ऑल कि बहुत कुछ तो मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी बात कहूँ तो बहुत सारी सेवा मैं खुद अपनी सासू मम्मी का नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसा कुछ करें कि वो हमें देखकर खुश रहें। बस ये उम्मीद मैं सबसे करना चाहूँगी, जो लोग हैं ऐसे जो ऐसा काम करते हैं कि माँ बाप उनकी वजह से परेशान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा संदेश है, आई होप जो लोग मेरी बातें सुनेंगे वो समझेंगे। कुछ अच्छा करके दिखाइए जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, उनको शर्मिंदगी ना हो आपकी वजह से। ठीक है, चलिए फिर, यहाँ मैं बिस्तर लगा रही हूँ और सासू मम्मी यहीं पास में ही खड़ी हैं, सब ठीक हो जाता है फ्रेंड्स, कुछ टाइम की बात होती है, लेकिन हाँ हमें कुछ ना कुछ अपनों के लिए सोचना ज़रूर चाहिए। ठीक है, और डेली तो यही बिस्तर लगाते थे पतिदेव, लेकिन आज ना इन्होंने बिस्तर ही नहीं लगाया, तो सारा बिस्तर मैं बदल के लगा रही हूँ। मम्मी बोल रही हैं कौन लगाता है, मैं इनको बोल रही हूँ मैं ही लगाती, तो बच्चे ही हैं, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी नहीं लगाती हैं, आज है मम्मी लगा रही हैं। तो साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद आज मैं बिस्तर लगा रही हूँ, नहीं वो लगा लेते थे यहाँ झाड़ वाड़ के, तो कुछ काम थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन जब नहीं करते हैं तो ये दबाव नहीं है, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जब घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए, किसी के नाम कोई चीज़ लिखी नहीं होनी चाहिए वाइफ हस्बैंड के बीच में। एक दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे के लिए समर्पित रहो, तभी जीवन में सुख मुझे लगता है मिल सकता है। तो चलिए फिर, अब झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, मम्मी जी गई यहीं पास में, उनकी 3 बहुएँ हैं, तो सभी बहुओं के पास जाती हैं, तो वही दूसरी बहू के पास गई हैं, तो मेरे पास से विदाई हो गई उनकी, क्योंकि सासू माँ जब 3-4 बहुओं की माँ होती हैं, सासू माँ होती हैं, तो उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, कि चलो उसके पास भी हो ले, उसके पास भी हो ले। और फिलहाल अभी इस समय वो मेरी बड़ी जिठानी के पास रहती हैं, आती जाती रहती है, मतलब सबके पास। यहाँ मैं जा रही हूँ खुशी का कान छिदवाने, क्योंकि खुशी बहुत दिन से बोले मम्मी मेरा कान छिदवा दीजिए, तो उसके कान छिदवा के आज आऊँगी। अब यहाँ वहाँ से आ गई हूँ, चाय बन रही मेरी, मैंने कपड़े उपड़े बदल लिए हैं, मतलब फास्ट हूँ ना आज, और सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब चाय पीऊँगी आराम से, मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, और प्लीज़ अपने लिए कुछ अच्छा ज़रूर करिए।